पहले तो जी सबको राम राम और आप सबका स्वागत है। हम सुपुरवाले बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने सबके लिए जो जो उनका साइज था सबके लिए हमने ट्रैक सूट मंगवाए हैं। गाड़ी जो 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली थी कि वो हम बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं, वो अलग हैं, वो हम अलग जगह देने के लिए हैं। ये हमने नए मंगवाए हैं, ट्रैक सूट हैं, छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, ऐसे 5 से 11-12 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको हम देने जा रहे हैं। पानीपत में ही है तो वही हम जा रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ठंड से बचने के लिए हमने मंगवा लिया कुछ ट्रैक सूट और मेहरपुरी से जाएंगे अब बच्चों को ट्रैक सूट लेके आएंगे। चलो तो मैंने ना ट्रैक सूटा के साथ साथ थोड़े ही कैप और ले ली बच्चों के लिए, मैं चलो ये और ऐड कर लेते हैं। तो चल पड़े हैं हम और अभी हमने फ्रूट भी लेने हैं कुछ। गरम नहीं है? गरम है। हाँ गरम गरम दे दो, बच्चा तो देनी है हमने। हाँ गरम गरम दे दे, 2 किलो कर दे। ओए हेलो हेलो कर दे हेलो। तो यहाँ से हमने ले लिया भाई मूंगफली गर्मा गर्म बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आ गए हैं जी और अंदर जाके देखिए दीदी आज बाहर आ जाओ, आपसे मिलने आई है प्रीशा। बताओ आपका क्या नाम है? चलो क्या नाम? आस्था। वाओ कितना प्यारा नाम है। और ये प्रीशा दीदी है पता है? और आंटी का नाम क्या है? रानी। मेरा नाम है रानी, ये प्रीशा है ना, और आपका नाम है आस्था। जी खानी है? खानी है जी। क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा फिर दोस्त कहाँ थे ये बताओ फिर। चलो मिलते हैं, जो नमस्ते। हेलो आज प्रीशा आज को गुड आफ्टरनून बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू सबको। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना। अभी तो स्टडी टाइम है। नहीं मैडम। चलो नाम बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? रिवार ही प्रीति। आपका बेटा स्वाति। और आपका आरती आएगा। वाओ बहुत प्यारा नाम है। आपका बेटा सबनम। और आपका सोनिया। वाओ चलो भैया सबका पूछेंगे, ठीक है सबका नाम पूछेंगे। चलो आपका तो मैंने पूछ लिया, आप बताओ। रूही आपका मीठा। वाओ आपका सरदा। और आपका बेटा सुमन। शोभा आप बताओ। मोनिका परी। अरे वाओ ये भी परी है, देखो दो दो परी हो। ये मेरी बेटी है ना, इसका भी नाम परी है ना, और आपका भी नाम परी है। वाओ दो दो परी हो गई ना परी। हेलो करो चलो। और आपका शिवानी। अच्छा भाई अब आपके नाम बाकी हैं, बताओ सारे बताओ। मरता में शालू। और आपका बेटा अंकित। और आपका पारुल। बड़े प्यारे प्यारे नाम है सबके। आपका नाम। और आपका बेटा क्या नाम? अरीवा। आपका कोमल। अरे कितने प्यारे प्यारे नाम है ना सबके, बिल्कुल अलग अलग से है। चलो आप बताओ ये क्या नाम है। ये कैप तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये कैप दोगे मुझे, मैं ले लू कैप? ये नहीं दोगे? अच्छा ठीक है, हम आपको न्यू कैप दे देंगे, ठीक है। आप बताओ अपना। और आपका क्या क्या हुआ? अच्छा बताओ क्या? आदर आदर्श आदर्श। वाओ आपका भी नाम बहुत अच्छा सच में। अभी किसके आपके पास गया ना? मेरा नहीं बनाओगे? मैं भी छोटे छोटे बच्चों को बना लेती हूँ। प्रीशा
सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आज बहुत प्यारा लग, बहुत ही क्यूट। एक बार लो, डांस किस किस को आता है? सबको डांस आता है सच में। अच्छा ये प्रनिशा है और ये बहुत अच्छा डांस करते भी है, बताओ इसके साथ डांस कौन कौन करेगा? अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा जिस पे आप डांस करोगे ये बताओ, गाना बताओ, सॉन्ग बताओ, जो भी गाना अच्छा लगता है ना कि हम उस पे डांस करते हैं वो बताओ। पतली कमरिया, हाय हाय, कौन सा पतली कमर पे मटका भारी? अच्छा तेरी पतली कमर पे मटका भारी टूट जाएगा। अरे मुझे भी आता उस पे तो सच अच्छी जगह, अच्छी जगह, बिल्कुल अच्छी जगह। स्कूल जाना ना, जल्दी बाय बाय सबको, बाय दीदी बाय। अच्छा कल बांट देंगे, गर्म थी वहाँ गति, बाय बाय बेटा बाय। तो आज ना सारा दिन चला गया नुए, ना रोटी खाने मिले ना कुछ, अरीब साढ़े छह ली अगर जाने का टाइम हो गया, सुबह तो चाय पिए देखो, फिर कस्टमर आ गए, उड़े ताए हम उड़े ताए, कस्टमर आए पाए, फिर कुरियर कारियर
आज तो घनी दूर दूर तक के कस्टमर आए कती मतलब सारा टाइम नो है रोटी नहीं खाने मिले लैन है गाजर पाक खाओ थे झूठ क्या तो बोलिया करो आई दो चम्मच गाजर पाक खाया था मचा एक कती वो कर देगी कल जा फूक देगी तेरे ते नहीं दिया हमने इतनी झूठी बात ले देख ले रोटी इतना सा गाजर पाक था बचाया वो भी सारा खा रही थी रुक जाओ देखिए इसके नुक होगी देख यो बच्चा कुछ ऐसा दिया था इन्हें मेरे तो देख लो इसके काम तली काट रखी सारी मेरे पीछे ना बार बैठ के नहीं करके भी लग गए हैं देख लो अरे भाई जाऊंगे घर और पूरा व्लॉग शेयर कर दिया थारी गल्ला अरे खत्म करने तो पहले बेबे प्लीज इस फोन ने फोड़ दे सने माँ का नहीं बेबे आज ना कम से कम इतने फोन आ गए मेरा तो सिर पट्टन हो रहा देखो हाथ ला गया कती ताता हो रहा है कसम था बेबे कर दे बंद कसम था मैं तो आज बड़ी दुखी होगी हाँ सर ना मैं ऐसे ही मैं मैसेज ही करा था नहीं सर अरे भाई वो ना व्लॉग करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ जो मामला था औरत उल्टा सिर उल्टा बोल रही थी वो खत्म हो गया है वो वहां पे बुला ली थी भाई थाने में फिर उन्हें अपना माफीनामा दे दिया तो फिर वो दीदी थी सविता आ रही है पानीपत से ही फिर वो कहती बे चल मेरे कहने पर कोई नहीं औरत औरत को माफ कर दे मैं चलो कोई बात नहीं यार भाई फिलहाल तो उसको मैंने माफ कर दिया दीदी के कहने पर क्योंकि हमने तो ये सीखा कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है जब इंसान ने माफी मांग ली तो कोई बात नहीं तो वही है भाई आगे बोलेगी तो आगे देखेंगे फिर लेकिन मेरा कहना यही है भाई किसी की आईडी पर गलत कमेंट करते हो तो बात ये होती है जी किसी की भी गलत मतलब किसी की भी आईडी पर गलत कमेंट करना गलत बोलना ये गलत है और अगर आगे कोई ऐसा मिला देखो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे अगर ज्यादातर क्या होता है मेरे तो बहुत से लोगों ने बोला कि इग्नोर मारो हर बार हम हर किसी को इग्नोर भी नहीं मार सकते पहली बात भाई ये लाइफ हमारी हम अपनी मर्जी से कैसे भी जिए बहुत सारी बहानी सी हैं किसी का हस्बैंड नहीं है भाई किसी का डिवोर्स हो रहा है वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा पहनना अच्छा खाना छोड़ दे हर किसी को खुश रहना है उसका अधिकार है अच्छे कपड़े पहनना उसका अधिकार है और कभी भी किसी के कपड़े देख कर उसके करेक्टर को हम जज नहीं कर सकते कि सूट पहन रहा है तो ये मतलब बहुत अच्छा करेक्टर है या जींस या शॉर्ट पहन रही है तो इसका करेक्टर खराब है इंसान का करेक्टर कभी भी उसके कपड़ों से हम नहीं लगा सकते ना हमें किसी अधिकार है किसी दूसरे को गलत बोलने का भाई हम अपने आप ने संभाले आज की लाइफ में इतना काम है इतना काम का प्रेशर होता है हर किसी का तो वो फोकस अपने काम के ऊपर करो तो उसी के उस पर भी वो गलत कमेंट कर रही थी फिर हमने उसकी रिपोर्ट दे दी थी यही अपने थाने में तो आ गई थी उन्हें राजीनामा अपना वो कर लिया भाई के मैं अगे ऐसा नहीं करूंगी मतलब उन्होंने के बाद बोल दिया तो फिर लिखित तौर पर उसने दे दी वह चीज तो फिर वो दीदी कहती वे चल कोई नहीं मेरे कहने पर माफ कर दे तो भाई बड़ा का हमेशा आदर सम्मान करते आए हैं तो उससे की मान का दीदी की मन है तो माफ कर दी तो फिर यही था भाई अभी आज हम सुबह गए थे वहां पे बच्चे थे बहुत सारे तो उनको ट्रैक सूट वगैरह कैप वगैरह देकर बहुत अच्छा लगा मेरा कहने का ये मतलब है कि वही आत के उसमें अपना टाइम वेस्ट करने था बढ़िया किसी को गलत कमेंट कर रहे हो किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो उस तक अच्छा ये काम अच्छे कामों में लगाओ क्योंकि चार दिन की जिंदगी है ये नहीं पता भाई ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए सब याड़े धरा धरा रह जाएगा तो किसी को गलत बोलने से अच्छा तो थोड़ा अच्छा काम कर लो तो अभी तो मामला खत्म हो गया क्योंकि उन्हें माफी मांग ली है और माफीनामा दे कर चली गई है कि भाई मैं ऐसा आगे नहीं करूंगी और हमने उसको माफ कर दिया आगे बोलेगी तो आगे भी कानून है तो ठीक है जी तो आज ये जो वीडियो थी मैंने बंद कर दिया कल एक दो जगह उड़ जाऊंगे हम भाई जितना हो सकता है देखो उतनी हेल्प मैं करती हूँ अब वही अभी कमाने वाली भी अकेली अपने घर में अड़े चार पांच नहीं है लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतनी मैं हेल्प करती हूँ आगे भी करती आऊंगी और बहुत खुशी मिला ये नहीं कि भाई बहुत से लोग कह देते कि मैं दिखावा कर रही हूँ वो उनकी सोच है चलो जो कहते रहोगे पर मने बेरा है मैं दिखावा कर रही हूँ क्या कर रही हूँ लेकिन बात ये है कि सच में खुशी होती है बहुत ज्यादा जब भी हम ऐसे काम करते हैं तो आप भी यही कहूंगी मैं ना तो किसी का अत्याचार सहन करो अगर आपको बार बार कोई बोल रहा है गलत कमेंट कर रहा है तो उसको इग्नोर भी ना मारो ब्लॉक भी करके देख लो चलो अगर फिर भी बंदा ना मानता कमेंट आपने डिलीट कर दे ब्लॉक कर दे फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो साइबर क्राइम भी है अपने पुलिस भी है अपना संविधान आपका साथ हमेशा देगा गलत का साथ ना दो और अपने हक के लिए लड़ो और बढ़िया उड़ो बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो तो यही है मेरा और सबके लिए भाई नया साल
आपका आने वाला खुशहाल हो, क्योंकि मैं भी फंसी पड़ी थी उस काम के कारण। आप लोगों को नए साल की बधाई भी नहीं दे पाई, और जिस जिस बार ने वीडियो बनाई है मेरे सपोर्ट में उनको थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और आज का व्लॉग इतना ही है, सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू सो मच जिस जिसने मेरे उसमें वीडियो बनाई है। और भाई अपनी लाइफ इंजॉय करो, मजे तो जियो, चाहे आप सिंगल मदर हो, जो भी हो, आपके हस्बैंड हैं ना हैं, तो आपकी लाइफ है, उसको इंजॉय करो, जो होना था वो हो चुका है। और भाई किसी के भी कहने से कि उसने ये बोल दिया तू ऐसा सूट पहन रही है, तो उनकी ना सुनो। अगर कह रही है ना कोई पड़ोसन ने या कोई भी कि तू ऐसा सूट पहन कर कित जाओगे अगले दिन, उस तो बढ़िया पहरो, नुको जाऊं ना जाऊं किती भी, पर तेरे कहने तो मैं ना अपने कपड़े पहनने छोड़ूंगी, ना मैं खुश रहना छोड़ूंगी। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।